जिस तरीके से आंखों पे मास्टरी के बिना कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता, हर्ट पर मास्टरी के बिना कोई हर्ट स्पेशलिस्ट नहीं और हड्डियों पर मास्टरी के बिना कोई बोन स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता, उसी तरीके से अगर ट्रेडिंग में मास्टरी करनी है तो कैंडल स्टिक पर मास्टरी के बिना कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, ट्रेडर सिंह ट्रेडिंग से कमाई नहीं कर सकता बिना कैंडल स्टिक पर मास्टरी के हुए। कैंडल स्टिक मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यूजफुल अक्रॉस द ग्लोब, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रेडिंग इंडिकेटर है। और हम इसे क्यों यूज करते हैं? यूज करते हैं बेसिकली हम ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कॉन्सेप्ट बेस हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। हम कोई रट्टाफिकेशन पे बात नहीं करेंगे, रटने वाली चीज नहीं बताने वाला हूं आपको। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि कैंडल स्टिक्स दीवार पर लगा लेते हैं अलग अलग, ये कैंडल स्टिक रट लेते हैं, ये वाला कैंडल हुआ तो ये होगा, ये वाला कैंडल, रटने की जरूरत नहीं है। हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, हर कैंडल को हम समझ पाए। इनफैक्ट कोई नया कैंडल भी आपके सामने आ जाए जो आपने कभी नहीं सीखा है, कैंडल के बिहेवियर को देख करके, कैंडल के कॉन्सेप्ट को देख कर आप समझ पाओ मार्केट का मूवमेंट किधर होने वाला है। हम उस तरीके से आज बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सबसे पहले कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक में चार पार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार पार्ट होता है। सबसे पहला ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, बॉडी एंड शैडो। अब ये जो कैंडल आपके सामने दिख रहा है, इस कैंडल में देखो ओपनिंग प्राइस क्या है। ये अगर मैं ग्रीन वाले कैंडल की बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका ओपनिंग प्राइस है। मान लेते हैं ओपनिंग प्राइस ये 10 रुपए से शुरू हुआ था, बढ़ते 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 देखो यहां तक ये मान लेते हैं 90 रुपए है। लेकिन यहां पर छोटा सा जो पतला सा बन रहा है ये क्या है? ये जो पतला सा बन रहा है ये क्या है? इसको बोलते हैं शैडो, विक। मतलब यहां तक ये 90 तक गया तो सही, लेकिन 90 से वापस भी नीचे आ गया इस तरीके से, और फाइनली इस मोमेंट पर आकर के ये मान लो 80 रुपए है तो ये 80 रुपए पे आके क्लोज हो गया। ओके, ये बिहेवियर होता है। अच्छा, ये जो नीचे आप देख रहे हो डंडी, ये क्या है? अच्छा, ये डंडी ये है कि 10 रुपए से जब ये शुरू हुआ होगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि 10 से नीचे गिर के 5 रुपए पे गया होगा, और 5 रुपए से वापस बढ़ के ऊपर ये गया। ठीक है, लेकिन यहां इस वे ठहरा नहीं है, 10 रुपए से शुरू हुआ था, ग्रीन कैंडल है तो इसके ऊपर। अच्छा, ये जो बेसिकली ये एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम बॉडी कहते हैं। मतलब ये 10 रुपए से लेकर के 80 रुपए तक का जो मेन मूवमेंट रहा है ये, इसको हम इसको बॉडी कहते हैं। सेम वे इधर भी इसको बॉडी बोलेंगे, इसको शैडो यानी कि विक, इसको शैडो यानी कि विक। ये अपर शैडो, ये लोअर शैडो, मतलब यहां तक प्राइस गया लेकिन रुका नहीं, ये वापस आ गया। ठीक है, प्राइस गया रुका नहीं वापस आ गया। अच्छा, रेड के केस में ओपनिंग ऊपर से होती है। ऑफकोर्स रेड का मतलब क्या, नीचे जा रहा है प्राइस तो नीचे जाएगा तो ऊपर से ही शुरू होगा। 50 रुपए का प्राइस गिर के 40 पे आएगा, 30 पे आएगा, 10 पे आएगा, 5 पे आएगा तो ऊपर से शुरू होगा रेड वाला और नीचे क्लोज होगा, लेकिन ग्रीन वाला नीचे ओपन होगा और ऊपर क्लोज होगा। ठीक है, तो चार चीजें इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, बॉडी क्या कहती है, शैडो यानी कि विक कैसा है। ये चार पैरामीटर ही समझने हैं हमें किसी भी कैंडल को अच्छे से प्रेडिक्ट करने के लिए, किसी भी कैंडल को देख के डिसीजन लेना है तो भैया ये चार चीज पर हमें मास्टरी करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर गोल, हमारा गोल क्या है कैंडल स्टिक समझने का? हमारा गोल है कि हम ट्रेंड, बदलते हुए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या हुआ? ट्रेंड का बदलना। अगर ये है मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, नीचे गिरता हुआ आ रहा है, नीचे गिरता हुआ आ रहा है ना, तो हमें इस मोमेंट पर अगर किसी तरीके से कैंडल को देख के पता चल जाए कि यहां से मार्केट अब ऊपर जाने वाला है तो भैया मैं तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा लूंगा। या फिर अगर इस मोमेंट पर देख करके मुझे यह पता चल गया कि यहां से अब नीचे जाने वाला है फिर तो मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा लूंगा। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंट्रा ट्रेडिंग में जानते हैं कि भैया सिर्फ मार्केट के ऊपर जाने से नहीं, मार्केट के नीचे जाने से भी कमाते हैं। सिर्फ आपको प्रेडिक्ट सही करना है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, और वो प्रेडिक्शन अगर हमारा सही पता चल गया, हमें कैंडल्स की, कैंडल्स को देख के डिसाइड करना है कि भैया ट्रेंड रिवर्स कब होगा है। अच्छा, साइडवेज में, साइडवेज क्या होता है? अगर यूं चल रहा है प्राइस 10 रुपए 8 रुपए 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 10 रुपए 8 रुपए, एक बराबर में ऐसे ऐसे चल रहा है तो उधर तो कुछ होने का नहीं था। अपने को तो जानना है कि भैया 10 रुपए पे
कौन से पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो जब 50 पे जाने वाला मुझे पहले से पता चल जाए, 100 पे जाने वाला पता चल जाए, या फिर आज अगर 100 पे है तो भैया 10 पे आने वाला मुझे पता चल जाए, तो मैं 100 पे ही खेल जाऊंगा, वहीं पे 10 पे आने वाला पॉइंट मुझे पता चल जाए। ओके, तो ये हमारा गोल होता है कि हम रिवर्सल को पता लगा पाए, ट्रेंड को नहीं। ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर लोगे कि अपर ट्रेंड है, लोअर ट्रेंड है, हमें उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जहां से अपर ट्रेंड शुरू हो, या हमें उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो, तब बेस्ट गेम होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन ग्रीन फॉर्म्स, ग्रीन कब फॉर्म होता है, जैसा अभी हमने बात किया कि जब ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा हो जाए, ओपनिंग प्राइस अगर 10 रुपए है, क्लोजिंग प्राइस 50 रुपए है, तो मार्केट यानी कि कैंडल ऊपर की तरफ गया, प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो ये ग्रीन बन रहा है। अच्छा, यहां पे छोटा सा विक कब बनता, जब 10 रुपए से घट के 5 पे भी आता, लेकिन 5 से वापस लौट के ऊपर की तरफ गया, इधर ठहरा नहीं। अच्छा, ये इधर भी विक कब बन सकता था, ये 50 से 60 की तरफ जाता लेकिन वापस से गिर के नीचे आ जाता, उधर ठहरा नहीं। अगर ये 50 पे जाकर के उधर ही रह जाता तो ये बॉडी फिर ऐसी बन जाती ना, अगर ये नीचे नहीं आता वहां से। तो ठीक है, ग्रीन कब होता है, ग्रीन कब फॉर्म होता है। अच्छा, इसी तरीके से रेड कब फॉर्म होता है, जब ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से नीचे चला जाए। ओपनिंग प्राइस भैया 50 रुपए पे इधर खुला, लेकिन ये नीचे जाते जाते 10 रुपए पे चला गया, तो नीचे 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 नीचे, तो रेड। क्लियर, इतना समझ में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या सबसे पहला जो कैंडलस्टिक में हमारे सामने है, हम हैमर समझते हैं। हैमर का एक फैमिली है बेसिकली। हैमर लाल, ग्रीन, इन्वर्टेड, ऊपर ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो ये सीरीज में ना, इस वीडियो और अगले वीडियो में मैं पूरा ये कन्फ्यूजन अच्छे से बहुत डिटेल में कवर करूंगा, क्योंकि मेरी आदत है मैं जो समझाता हूँ बहुत डिटेल में समझाता हूँ और बच्चों की तरह समझाता हूँ। ओके, हैमर को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा ना। हथौड़ा कैसा होता है, ऊपर वो लोहे का लगा होता है, नीचे लकड़ी होती है, वैसा हैमर। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये हैमर वैसा ही नहीं लग रहा है क्या? हाँ, वैसा ही लग रहा है। अब इस हैमर को पहले पहचानते कैसे, पहले ये देख लेते हैं, फिर इस हैमर का कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। पहचानेंगे कैसे भैया, बॉटम विक बॉडी से 3 से 4 गुना बड़ा होना चाहिए। ये जो बॉटम विक है, ये बॉडी से 3 से 4 गुना बड़ा है। सिमिलरली रेड के केस में भी ये जो बॉडी है और इसका जो बॉटम विक है, ये 3 से 4 गुना बड़ा है। ठीक है, अच्छा, अपर विक छोटा सा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन दोनों केसेस में देखो नहीं है, यहां पे ये छोटा सा हो भी सकता था तो भी हम इसको हैमर ही कहते हैं। ठीक है, चार्ट के नीचे बनना चाहिए भैया। अगर ये चार्ट के ऊपर बन रहा है तो इसको हम हैमर नहीं बोलते। चार्ट के अगर ऊपर बन रहा है मतलब डन 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 डन, इधर अगर हैमर बन रहा है तो उसको हैमर नहीं बोलेंगे, उसको हम कुछ और बोलते हैं, वो आगे समझेंगे। इधर बनना चाहिए, या ये डब डाउन होकर डन 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 इधर कुछ हो रहा है, अगर इधर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो हम उसको हैमर बोलेंगे। कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन में भी होगा, रेड में भी होगा, फिर भी हम उसको हैमर ही बोलेंगे। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है हैमर का भैया, कॉन्सेप्ट बिहाइंड ग्रीन हैमर। पहले हम ग्रीन हैमर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो है दोनों हैमर, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, तो कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने यहां पे लिखा भी है, प्राइस मान लो 50 रुपए से शुरू होता है। ठीक है, ये गिर के सेलर आया नीचे, गिरा करके इसको 10 रुपए पे ले गया। ठीक है, फिर इधर पता चला भैया बायर, बहुत बड़ा बायर लोगों का ग्रुप बैठा हुआ, एकदम जमात बैठी हुई, बायर लोग एकदम इकट्ठा होकर के 100-200 बायर बैठे हुए हैं, और उधर से 2-4 सेलर दौड़ते हुए, बायर देखा 2-4 सेलर दौड़ा, तो बायर लगे इनके पीछे, लगे इनके पीछे, लगे इनके पीछे, लगे इनके पीछे, ऊपर 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 ऊपर। अच्छा, एक चीज मैंने यहां पर गलत बोल दी, यहां पर जो मैंने आपको दिखा दिया, ये जो दिखा दिया ना ओपनिंग, ये ओपनिंग यहां से हुआ है, ग्रीन है ना, ग्रीन कैंडल इधर से शुरू होगा, अगर ये रेड होता तो ऊपर से। ठीक है, तो यहां से सेलर गिरना 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 शुरू हुआ, 10 पे ले आया। ठीक है, और फिर बायर ने देखा, बायर उठाना शुरू हुआ, 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 उठाना शुरू, 60 पे ले गया। 50 से शुरू हुआ था, सेलर बायर ने ऐसा दबाया कि वो 50 से ऊपर 60 पे ले गया।
50 से शुरू हुआ, सेलर 50 से गिरा के 10 पे ले गया, लेकिन जब बायर आया 10 से उठा के 50 ने 60 पे ले गया। अब बताओ मजबूत कौन यहां पे, ज्यादा मजबूत कौन? ऑफ कोर्स बायर ज्यादा मजबूत, तो मोर स्ट्रॉन्गर बायर। तो किधर जाएगा? बायर की तरफ। बायर की तरफ मतलब जब खरीदते हैं तो प्राइस बढ़ता है, तो ऊपर की तरफ अब बनेगा अप ट्रेंड अगर हमें ऐसा हैमर दिख जाता है तो। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसी तरीके से हम जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं रेड वाले हैमर का, क्या कॉन्सेप्ट है रेड वाला हैंगर हैमर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अच्छा रेड वाला है तो यहां से शुरू होगा, इधर से, इधर से, तो इधर से मान लो शुरू हुआ 60 रुपए से, ठीक है, 60 रुपए से नीचे 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 10 रुपए पे ले आया। अच्छा जो चीजें मैं बता रहा हूं ना इधर मैंने लिख भी दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो याद रखने के लिए, आपको समझने के लिए लिख दिया है मैंने। तो नीचे 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 10 रुपए आया। अब इधर देखा बायर का जमात बैठा हुआ है, ग्रुप बैठा हुआ है, फिर देखा सेलर दो लगो इनके पीछे, लगे इनके पीछे, बायर ऊपर बढ़ाने लग गए प्राइस, खरीदे 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 खरीदे, लेकिन यहां पर आके दम तोड़ दिया, ठीक है। तो ये रेड वाली बॉडी बन गई इसकी। अच्छा जरा एक चीज समझो, ये जो डंडी है ये कम से कम 3 गुना बड़ी है, बायर ने 3 गुना प्राइस को ऊपर भेज दिया, 3 गुना प्राइस को वापस ऊपर भेज दिया, तो इसका मतलब कौन ज्यादा पावरफुल है यहां पे समझना। ये कब बना होगा? मैंने क्या बोला था, नीचे बनना चाहिए, नीचे हैमर कब, ट्रेंड के नीचे। तो हैमर कब बना होगा ऐसा हम समझते हैं, ऐसा 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 ऐसा, ये मान लो एक हैमर बना हमारा, लो हैमर जैसे हम बनाई देते हैं, ठीक है, ये हमारा हैमर बना, और इधर साला ये भी रेड सारा रेड बन रहा है, ये भी रेड, और उस रेड के बीच में एक ऐसा आया बायर जो कि नीचे से दबा दिया ऊपर, रेड को छुट्टू कर दिया, छुटकू सा। तो मतलब ये समझ में आ रहा है ये गुंडों की बस्ती में लगता है कोई हीरो आ गया, नहीं ये सारे गुंडे थे, ये भी गुंडा, पूरा नीचे पूरा नीचे पूरा नीचे, गुंडों की बस्ती में कोई हीरो आ गया है। तो अब जो 3 गुना जो दबाया ना, इसकी वजह से पता चलता है अच्छा यहां पे बायर स्ट्रांग हो गया है, यहां पे बायर स्ट्रांग हो रहा है, अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, अब ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहां पे भैया ज्यादा स्ट्रांग कौन? ऑफकोर्स जैसा मैंने बताया बायर इज मोर स्ट्रांगर, तो अब ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, ठीक है। जरा लाइव सिचुएशन भी देख लेते हैं कि स्क्रीनशॉट मैंने लिया है इसमें investing.com, ये निफ्टी 50 का कभी का चार्ट रहा होगा। यहाँ पे देखो ये गुंडे सारे गुंडे मार्केट गिरा रहे थे गिरा रहे थे गिरा रहे थे गिरा रहे थे, ये एक हीरो जैसा आ गया, नीचे से ऊपर धकेल दिया प्राइस हैमर, उसके बाद मार्केट क्या हुआ है ऊपर की तरफ गया ना। अच्छा मैं आपसे थोड़ा सा एक दो चीज़ और पूछता हूँ, ये हैमर है क्या? हाँ बिल्कुल हैमर है, एकदम हैमर जैसा लग रहा है, 3 से 4 गुना विक नीचे है, ये ऊपर की तरफ है, और चार्ट के ये डाउन में भी है। ये वाला हैमर है क्या? नहीं है। पहली चीज तो इसकी जितनी बड़ी बॉडी उतनी बड़ी विक है, दूसरी चीज ये चार्ट के ऊपर की साइड या फिर बीच में तो नहीं है। अच्छा ये हैमर है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी देखो बीच में बिल्कुल है, जितना ऊपर ऊपर भी ज्यादा विक है, नीचे भी एकदम लग रहा है बॉडी बीच में लटक रही है, बॉडी ऊपर की तरफ होनी चाहिए ना, जैसे हथौड़े में क्या होता है, हथौड़ा में जो मेन पार्ट हो जाता है लोहे का जिससे हम मारते हैं वो एकदम ऊपर की तरफ होता है ना, तो ऐसा तो है नहीं। अच्छा एक बात और पूछता हूं, ये वाला हैमर है क्या? नहीं है, ये देखने में तो लग रहा है हैमर, ये जो विक है इसकी 3 गुना बड़ी लग रही, लेकिन एक तो उल्टा है और दूसरा ऊपर की तरफ है, उल्टे हैमर को हम कुछ और बोलते हैं वो भी समझेंगे, और उल्टा हैमर अगर ऊपर है तो उसका क्या मतलब है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा समराइज कर लेते हैं हैमर को, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया क्या क्या समझा। सबसे पहली चीज, टेक डिसीजन, अगर ये बॉटम बन रहा है तभी डिसीजन लेना, बॉटम पे बन रहा है नीचे बनना चाहिए, एकदम नीचे बनना चाहिए, लाल या ग्रीन कोई भी बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉटम पे बने तभी डिसीजन लेना घुसने का। अगर ये टॉप पे बन रहा है तो भैया इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, हैंगिंग मैन हम अगले वीडियो में समझेंगे डिटेल में क्या होता है, टॉप पे बन रहा है तो वो हैमर नहीं है। नो डिसीजन इफ अकर्स इन बिटवीन ऑफ चार्ट, बीच में अगर बन रहा है इधर इधर कहीं बन रहा है तो डिसीजन नहीं लेने का, नीचे बने तभी डिसीजन लेने का। अच्छा अपर वीक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो भी वो हैमर ही कहेंगे उसको। कौन स्ट्रांग होता है भैया हैमर बनने के केस में? बायर स्ट्रांग होता है, मतलब मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकता है, नेक्स्ट मूव अप ट्रेंड। इतना समझ में आ रहा है? अगले वीडियो में हम और ज्यादा
कैंडलस्टिक के और पैटर्न समझने वाले हैं। अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना, और फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दे सकते हो। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।